हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुलियाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ ईवीएस से रिलेटेड एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस जो आपके यूटेट और सीटेट एग्ज़ाम के पेपर फर्स्ट को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आने वाली 24 मार्च को यूटेट का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए जो ईवीएस के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं एनसीईआरटी के, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो यहाँ पर आपको वन लाइनर्स क्वेश्चन मिलेंगे सारे, ऐसे क्वेश्चन यूटेट या सीटेट दोनों में पूछे जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन इसको कहा जाता है हिंदी में। आपका 30 मार्क्स का ये होता है। अगर आप इस सीरीज को देखेंगे, तीन पार्ट्स में होगी ये। पार्ट वन आज आ रहा है, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड इसका आएगा। तो तीन सीरीज में आपको सारे ईवीएस से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी यूटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आने वाले टाइम में सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप इस सेशन को ज़रूर देखें। अगर आपको यह सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन ईवीएस पार्ट फर्स्ट यूटेट एंड सीटेट के लिए। तो दोस्तों, बात करेंगे क्लास 3 एनसीईआरटी की बुक से, जहाँ पे हमारा चैप्टर होता है एनिमल्स के लिए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, द फ्रंट टीथ ऑफ काउ आर स्मॉल फॉर कटिंग लीव्स, द बैक टीथ आर प्लेंटेड एंड लार्ज फॉर च्यूइंग ग्रास। जो गाय के आगे आगे के दांत होते हैं पत्तों के काटने के लिए छोटे होते हैं, तथा जो पीछे के दांत होते हैं वो घास चबाने के लिए बड़े होते हैं। ऐसी बात करें कैट टीथ की, तो जो बिल्ली के दांत होते हैं, कैट टीथ आर पॉइंटेड विच आर यूज फॉर टेयरिंग एंड कटिंग फ्लैश। नुकीले होते हैं इनके दांत, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। बात करें स्नेक टीथ के, दोस्तों स्नेक टीथ सांप के दांत, इसके दांत भी क्या होते हैं, नुकीले होते हैं पर अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते बल्कि पूरा निकल जाते हैं। स्नेक टीथ आर ऑल्सो पॉइंटेड बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे एंड ईट इट बट दे गेट आउट कम्प्लीटली। बात करें गिलहरी के दांत की, दोस्तों स्क्विरल टीथ ऑलवेज ग्रो बिकॉज स्पायरल टीथ आर ऑलवेज वीकेंड ड्यू टू बीटिंग एंड मचिंग। तो क्या होता है, हमेशा बढ़ते रहते हैं गिलहरी के दांत, क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। ये हुई गिलहरी के दांत की बात। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन क्लास 3 ईबीएस की बुक से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र इन्वायरमेंट एजुकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है दोस्तों, अहमदाबाद में। ठीक है, ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन कॉज डायथेरिया एंड क्लोरा, गंदा पानी पीने से हमें दस्त और हैजा हो सकते हैं। इन डायरिया और वॉमिटिंग अ लॉट ऑफ बॉडी वाटर गेट्स रिलीज, देयरफॉर टू मीट द लैक ऑफ वाटर वन शुड कीप ड्रिंकिंग वाटर एवरी वंस इन ए वाइल। जैसा कि आपको पता है, जब भी क्या होता है, दस्त या उल्टी होती है, शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नाटका, कर्नाटका का एक होलगुंडी गांव है जहां बच्चों की पंचायत को भीमा संघ कहा जाता है। ठीक है, बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है, भीमा संघ। ये कहाँ पे है, होलगुंडी गांव। होलगुंडी गांव कहाँ पर स्थित है, कर्नाटका में। एक नलमंडा गांव है दोस्तों, नलमंडा गांव कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। और एक मार्केट विलेज बाजार गांव कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में। आइए आगे बढ़ते हैं, ग्रास रूट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड ओनली बाय डिगिंग विथ खुरपी। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से रौंद कर ही निकाला जा सकता है। अगला है दोस्तों, द ग्रीन प्लांट इज स्प्रेड मोर इनसाइड द ग्राउंड दैट इज अबव द ग्राउंड, बनियान ट्री पेंट्स हैव देयर रूट्स, दे कम आउट फ्रॉम द ट्रिंग्स एंड गो इनसाइड द ग्रोइंग ग्राउंड।
ये आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। बात करें बनियान ट्री की, जिसे बरगद का पेड़ भी कहा जाता है, बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, वो टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। और यू कैन नॉट कट अ ग्रीन ट्री इवन इफ यू हैव प्लांटेड इट, देयर इज़ अ लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्री, सो फार दिस वी हैव टू गेट रिटन आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस। आप कोई हरा भरा पेड़ नहीं काट सकते, भले ही उसे आपने ही लगाया हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित में परमिशन लेनी पड़ती है। दोस्तों अभी हमने बात की थी घास के बारे में, ट्रीज़ के बारे में, और हमने बात की थी जानवरों के बारे में। अब उसी को चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं रेगिस्तानी ओक पेड़ के बारे में। इट इज़ फाउंड इन द डेजर्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ 11 to 12 feet इन हाइट एंड लीव्स आर वेरी शॉर्ट। रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग लगभग 11 से 12 फीट की होती है और पत्तियाँ बहुत कम होती हैं। अगर बात करें इसकी गहराई की, तो पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती हैं। द रूट्स ऑफ दिस डेजर्ट ओक ट्री गो टू अ डेप्थ ऑफ 200 to 300 feet टिल दे रीच द वाटर। द वाटर कीप्स एक्यूमुलेटिंग इन द ट्रंक ऑफ द डेजर्ट ओक ट्री। वेन एवर ट्री इज शॉर्टेज ऑफ वाटर दिस एरिया द पीपल ट्री यूज टू ड्रेन वाटर बाई पुटिंग द थीन पाइप इन साइड द ट्रंक। रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। बात करते हैं बिहू फेस्टिवल की दोस्तों, बिहू का त्यौहार। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट द कटिंग ऑफ न्यू राइस क्रॉप इन आसाम। इस त्यौहार को असम में चावल की नई फसल के काटने पर मनाया जाता है दोस्तों। भेलाघर द हाउस मेड ऑफ ग्रास एंड बॉम्बो इन आसाम। आसाम में घास और बांस के बने घरों को भेलाघर कहते हैं। उरुका उरुका दोस्तों, उरुका क्या होता है? द इवनिंग ऑफ द प्रीवियस डे फ्रॉम बिहू। बिहू से पिछले दिन की शाम को वहाँ पर उरुका खाया जाता है। बार बार पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोरा एंड चेवा। बोरा एंड चेवा क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइस विच बिकम्स स्टिकी आफ्टर कुकिंग, इट इज इटन इन आसाम। बोरा और चेवा क्या होते हैं? चावल के दो प्रकार होते हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, इसे असम में खाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चेवा चावल। चेवा चावल क्या होता है? पुट द टाउ इन द फायर एंड बॉयल वाटर इन इट एंड पुट अ कल्डन फिल्ड विद सोक्ड राइस ऑन इट एंड कवर इट विद बनाना लीव्स आफ्टर अ वाइल। चेवा राइस इज रेडी टू बी ईटन। इसमें क्या होता है, कढ़ाई को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद जो चेवा चावल है वो तैयार हो जाता है। इन आसाम टीज ऑफर्ड अलोंग विद द पीठा। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पीठा क्या होता है? पीठा इज़ अ केक मेड इन इंडिया विच इज इटन मोर इन आसाम ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। पीठा क्या होता है? एक बना हुआ केक होता है जो भारत के असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है। वुमेन वेयर्स येलो क्लोथ ड्यूरिंग बिहू फेस्टिवल। बिहू त्यौहार में औरतें क्या करती हैं? पीले रंग का कपड़ा पहनती हैं। द गर्ल्स वेयर कलरफुल मेखला चादर। लड़कियाँ रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। भात सुक्तो। भात सुक्तो क्या है? चावल और रस वाली सब्जी। जैसे हम चावल और सब्जियाँ खाती हैं रस वाली, तो वहाँ पर उसे क्या जाता है? भात सुक्तो। ठीक है दोस्तों, पोचपल्ली डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। पोचपल्ली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट आर वीवर्स, हैंस दिस वीविंग इज नोन एज पोचमपल्ली। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार सीटेट और यूटेट दोनों एग्जाम में ये पूछा जाता है और उसके साथ साथ अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो पोचमपल्ली जिला है आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर क्या रहते हैं? बुनकर रहते हैं ज़्यादातर, जो बुनाई के काम से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पोचमपल्ली के नाम से वहाँ पर जाना जाता है।
कुल्लू शॉल, मधुबनी पेंटिंग्स, असम सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई, ये सब कहाँ पे है? यहीं पर इसकी बुनाई होती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मलयालम, मलयालम के बारे में आप पढ़ते हैं। एक वर्ड है चिट्टियप्पन, चिट्टियप्पन फादर सिंगर ब्रदर। मलयालम में चिट्टियप्पन किसको कहा जाता है? पिता के जो छोटा भाई है। अगला है कुजुम्बा, उस कुजुम्बा किसको कहा जाता है? छोटे पिता के छोटे भाई की पत्नी को। गार्डन ऑफ स्पाइसेस का है दोस्तों, मसालों का बगीचा केरल में है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज, ये कौन थी? पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। द फर्स्ट वुमेन टू कमांड द इंटायर परेड। अगला है दोस्तों धन्ना मंडी विलेज, धन्ना मंडी विलेज कहाँ पे है? राजौरी जो जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पर ये क्या है? धन्ना मंडी गाँव है। वेन द परेड टेक्स प्लेस देर आर फोर कॉन्टिनेंट एट द बैक, 30 इंस्ट्रक्शन हैव टू बी गिवन इन अ होल परेड। जब परेड होती है तो पीछे चार टुकड़ी में चलती है, पूरी परेड में 36 निर्देश देने वाले होते हैं। एक दोस्तों एक नाम है इस स्किटो पुल, स्किटो ब्रिज, ये कहाँ पे स्थित है? लद्दाख के गांव में। स्किटो ब्रिज या बोले इसको स्किटो पुल, कहाँ पे है? लद्दाख के गांव में स्थित है। बात करते हैं लद्दाख में मदर्स को क्या कहते हैं, पिता को क्या कहते हैं, फादर को क्या कहते हैं और बाबा को क्या कहते हैं? लद्दाख में माँ को क्या कहते हैं दोस्तों? आमाले। पिता को आबाले और बाबा को मेमेले। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एनसीईआरटी क्लास थर्ड से। क्या होता है? रैट्स आर लेस एबल टू सी बट हैव अ वेरी गुड एबिलिटी टू स्मेल, टच एंड टेस्ट। चूहों की देखने की क्षमता कम होती है पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत होती है, अच्छी होती है, कहने का मतलब है। पीपल ऑफ नागपुर एड शुगर इन टू लेंटाइल्स, नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। किस सिटी के लोग दाल में चीनी डालते हैं, तो कौन सी है भैया? नागपुर। अगला है दोस्तों, इन डांस इमोशंस आर शोन थ्रू हैंड्स एंड फेस विच इज कॉल्ड मुद्रा एंड भावा। डांस में हाथ और चेहरे की जरिए भावनाएं जो दिखाई जाती हैं, जिन्हें मुद्रा और भाव कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो हाथ और चेहरे के द्वारा जो भावनाएं दिखाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? मुद्रा या भाव। ठीक है, द ओल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। बर्ड्स विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई एंड ऑल्सो प्रोवाइड वार्म, द ओल्ड फीचर्स ऑफ बर्ड्स कीप फॉलिंग एंड न्यू वंस कीप कमिंग। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। एक ब्रेडली स्क्रिप्ट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ब्रेड लिपि जिसे कहा जाता है। इज रिटन ऑन ए थिक पेपर इन विच द डॉट्स आर इम्बोज विद अ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज़ पर लिखी जाती है जिसमें एक नुकली चीज़ से बिंदुओं को उभारा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लिपि है ये। इट इज़ रीड विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स ऑन बॉइल्ड लार्ज पॉइंट इन ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल लिपि के ऊपर हुए बड़े बिंदु पर उंगली के सहारे से पढ़ा जाता है। ब्रेली हैंड राइटिंग इज़ फॉर दोज हुज़ कैन नॉट सी विथ आईज, दे टच द सेम पॉइंट एंड अंडरस्टैंड बट इज रिटन। ब्रेन लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से नहीं देख पाते हैं, वो उन्हीं बिंदुओं को छू कर समझते हैं कि क्या लिखा गया है। ठीक है, ओनली टच करके वो पता लगाएंगे कि ये चीज़ क्या लिखी गई है। वो लिपि कौन सी होती है? ब्रेन लिपि होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। ब्रेली स्क्रिप्ट, दिस स्क्रिप्ट इज नेम्ड आफ्टर लुइस बर्ली हु वॉज फ्रॉम फ्रांस। ब्रेल लिपि, लुइस ब्रेल जो फ्रांस के थे उनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया था। लुइस ब्रेली 3 ईयर्स ओल्ड हैड लॉस्ट हिज आइज बाई एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना में लुइस ब्रेल की 3 साल की उम्र में क्या हुई थी? आंखों की रोशनी चली गई थी। व्हेन लुइस ब्रेली वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडीज ही स्टार्टेड थिंकिंग टू वेरियस न्यू वेज टू रीड एंड राइट, द मैथड इट फिंगर्ड आउट वॉज लेटर डाउन इज नोन एज ब्रेली स्क्रिप्ट। लुइस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी तो वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। उन्हें जो तरीका निकाला बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया।
यह स्क्रिप्ट 6 बिंदु पर आधारित थी। द स्क्रिप्ट वॉज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स। नाउ इट कैन ऑल्सो बी रिटन यूजिंग अ कंप्यूटर। इफ यू टेल एंड अंडरस्टैंड ब्रेली स्क्रिप्ट टू चिल्ड्रन देन दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेल। अगर आप बच्चों को ब्रेली स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे तो वह इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो ब्रेली पे क्या होती है दोस्तों, मेनली इसका क्वेश्चन देखा गया है पिछले कुछ गत वर्षों में। तो ये मेन कॉन्सेप्ट जो था, जिनकी आंखें नहीं थी, जो आंखों से नहीं देख पाते थे, उनके लिए ये स्क्रिप्ट का यूज किया गया था दोस्तों। इनिशियली अंटेंसिल्स वर मेड और स्टोन और क्लाई। शुरुआत में बर्तन जो थे पत्थर और चिकनी मिट्टी से बनाए जाते थे। द फेमस कावा टी इज मेड इन श्रीनगर। श्रीनगर में जो है प्रसिद्ध कावा चाय बनाई जाती है। ये वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगला, डल लेक कहाँ पे स्थित है श्रीनगर में। डल लेक इज इन श्रीनगर। अगला है टूरिस्ट इंजॉय ए बोट नेम सिकरा इन डल लेक। सिकारा नाम की नाव कहाँ पे पाई जाती है, डल लेक में। ठीक है, हाउस बोट इज फाउंड इन श्रीनगर। हाउस बोट कहाँ पे पाई जाती है, श्रीनगर में। बट प्रोटेक्ट फ्रूट्स फ्रॉम इंसेक्ट बाई ईटिंग इंसेक्ट। पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, द विलेज नेम बज्जू इज इन राजस्थान। एक बज्जू गांव है, वो कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। टू अंडरस्टैंड द मैप इट इज़ नेसेसरी टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंबल। मैप को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सिंबल्स को समझें। डिस्कशन अबाउट रियूज वाटर विल क्रिएट अवेयरनेस अबाउट वाटर कन्वर्जिंग एमंग चिल्ड्रन। रियूज वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आती है। अगला है दोस्तों, स्नेक्स आर ईटन इन हांगकांग। इट्स सूप इज कॉल्ड लिंग हू फेन। हांगकांग में क्या खाए जाते हैं, सांप खाए जाते हैं, जिसके सूप को हम लिंग हू फेन कहते हैं। अगला है दोस्तों, इन कश्मीर फिश आर कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल व्हाइल इन गोवा फिश इज कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। जो कश्मीर है वहाँ पर जो मछली बनाई जाती है सरसों के तेल पर बनाई जाती है, जबकि गोवा में नारियल के तेल पर मछली को पकाया जाता है। टेपिकोवा इज अ टाइप ऑफ फ्रूट। टेपिकोवा एक फ्रूट का नाम है दैट इज बॉइल्ड एंड ईटन इन केरला, जहाँ जिसको केरल में उबाल कर खाया जाता है। क्या है दोस्तों, टेपिकोवा एक क्या है, फ्रूट का नाम है जो कहाँ पर पाया जाता है, केरला में पाया जाता है, जिसे उबाल कर खाया जाता है। वल्चर और वल्चर ईट्स डेड एनिमल्स। वल्चर या जिसे गिद्ध खाया जाता है वो क्या करता है, मरे हुए जानवर को खाता है। द बीक ऑफ हमिंग बर्ड इज लाइक ए नीडल टिप। हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। अगला है दोस्तों, द पिगन्स बीक इज पिंक एंड द विंग्स आर ग्रे इन कलर। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे कलर के होते हैं। होम्स इन आसाम आर 10 to 12 feet अबव द ग्राउंड एंड आर मेड ऑफ बैम्बो एंड ओनली वुड इज यूज इन साइड द हाउस। असम में जो घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और ये बांस से बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ी का ही प्रयोग होता है। ठीक है, जो असम में घरों की लंबाई होती है कितनी होती है, 11-12 फुट ज़मीन से ऊपर बांस के पुल बनाए जाते हैं। द रीजन फॉर द हाउस बींग बिल्ट एट हाई अल्टीट्यूड इन आसाम इन दैट देयर इज़ हैवी रेन इन आसाम ड्यू टू विच देयर इज अ रिस्क ऑफ वाटर फिलिंग द हाउस। जैसा कि आप भी जानते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है बरसात के दिनों में वो कहाँ पर पाई होती है, असम में होती है। असम में घर की ऊंचाई को बनाने का कारण भी यही है। असम में घर को ऊंचाई पर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वहाँ पर भारी बारिश होने के कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। अगला दोस्तों, मनाली हाउसेज बोथ स्टोन एंड वुड एंड देयर इज स्नो अलॉन्ग विथ रेन। मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं और यहाँ भी बारिश के साथ साथ बर्फ पड़ती है। अगला है दोस्तों, राजस्थान इन राजस्थान मड विच इज टाइप ऑफ वेट सॉइल हाउसेज आर बिल्ट एंड द रूफ इज मेड ऑफ ब्रिसेस। राजस्थान में मड जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी है के घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से बनती है। द पीपल ऑफ राजस्थान आर ऑल्सो नोन एज टंका। राजस्थान के लोग टैंक को टंका भी कहते हैं। पीपल ऑफ राजस्थान बिल्ट अ पिट इन द कोर्टयार्ड ऑफ देयर हाउस। राजस्थान के लोग अपने घर में आंगन में गड्ढा बनाते हैं। अगला है दोस्तों, राजस्थानी पीपल मेक द रूफ स्लोपिंग फ्रॉम विच दे कलेक्ट रेन वाटर एंड यूज इट इन डेली लाइफ।
राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। दोस्तों आज के जो पॉइंट थे क्लास थर्ड की ईवीएस बुक से लिए गए पॉइंट थे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार जब हम आएंगे इसका पार्ट टू लेके आएंगे जिसमें हम बात करेंगे ईबीएस के, जो क्लास फोर्थ की ईबीएस है उसमें एनसीईआरटी के जो पूरा सार है, एनसीईआरटी का जो सार है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों अगर आप इन तीन वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप 30 में से 25 नंबर एटलीस्ट ईबीएस में ला सकते हैं, जो कि यूटेट एंड सीटेट का फर्स्ट पेपर है, वहाँ पर पूछी जाती है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।